टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। मेरठ के रूप नेत्रालय पर तीमारदारों ने युवती की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के बाद जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। तीमारदारों का कहना था कि इस एवज में उनसे करीब 40,000 रुपए से ज्यादा वसूले गए। जो कहा गया वह किया, लेकिन युवती की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। वहीं डॉक्टर रूप का कहना है कि ऑपरेशन के बाद दूर का दिखाई दे रहा है, जबकि चश्मा लगाने से पास का भी नजर आने लगेगा। इस पर परिजनों का कहना है कि चश्मा हटाने के पैसे दिए गए थे, दोबारा लगाने के नहीं। हंगामे की सूचना पाकर पहुंची मीडिया से भी डॉक्टर रूप ने नाराजगी जाहिर की। इस बारे में तीमारदार गुलावटी निवासी शंभु ने यह जानकारी मीडिया को दी। साली का नाम मामला यह है, किसी ने बताया था रूप डॉक्टर अच्छा है, इसकी आंखें यहाँ दिखाओ, आंखें ठीक हो जाएगी। हमने यहाँ पे आए, इसके फादर भी आए, मेरे ससुर साहब हैं वो, और जी इन्होंने कहा 32,000 रुपये काउंटर में रख दो, 25,000 का लेंस है, 18,000 का लेंस है। हमने कहा अच्छा लेंस लगाओ, अच्छा लेंस लगवाया था हमने, तो वो लेंस लगाने के बाद में भी ज़्यादा पट्टी खोल देना, वो पट्टी खोलने के बाद में भी ना एक दो दिन बाद लड़की को दूर का दिखा था, पास का बिल्कुल दिखाई नहीं रहा। कुरान शरीफ जो किताब पढ़ा वो अक्सर पास की दिखाई नहीं दे रहे, और अब यहाँ पे आए हैं दोबारा तो ये कह रहे हैं कि चश्मा लगेगा, चश्मा बनेगा, लड़की का चश्मा लगेगा, लग के लड़की को दिखेगा। अब हमने पैसे, हाँ हमने जो पैसे दिए हैं चश्मा हटाने के दिए हैं, तो साफ दिखाने देने के लिए दिए हैं पैसे, अब लड़की को हमारी साफ नहीं दिखाया, तो फिर क्या क्या पैसे बताओ। हाँ हाँ, ये नहीं कहना जाओ, ये वो तो किसी डॉक्टर, ये रूप डॉक्टर थे, ये यही यही अंदर बैठे हैं मेरठ के अंदर, यही ये इनका क्लिनिक तो है। ये होता क्या, कब होता, आज पाँचवें दिन हुए, आज हुए 18 साल की उम्र है लड़की की। अभी हमने पुलिस को नहीं करा, तो यहाँ पर आया सीधे, अब ये जवान गया जी, निकलो चश्मा लगेगा यहाँ से, जब दिखाई देगा। अब हमने चश्मा लगाने के पैसे दिए या दिखाई देने के पैसे दिए, लड़की को दिखाई नहीं दे रहा पास का भी। मेरा नाम दिलशाद है। वहीं मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर डॉक्टर रूप का यह कहना था, हमारा काम है कहीं से कोई खबर उठी कुछ बात है, आप अपना जो है आप अपना बता दीजिए। एक मिनट, आपका काम है, पर आपका काम किसी के अंदर घर में घुसने का है क्या? घर में कौन घुसा है? क्लिनिक है ये, घर में कैसे? एक एक मिनट, एक मिनट सुनिए जी, क्लिनिक भी कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। डॉक्टर साहब, 18 साल की बच्ची की आई साइड है, उनका आरोप है, के बाद आग की रोशनी चली गई, हम लोग क्लिनिक के अंदर है, आपका क्या कहना है ये बता दीजिए बस हमें। बच्चे की आज भी आंख में रोशनी पूरी है, ठीक है, बच्चे की आंख में सूजन थी, छोटी उम्र में मोतिया नहीं होता, सूजन की वजह से मोतिया हुआ था, मोतिया का ऑपरेशन हो गया, आज बच्चे को पूरा दिखता है। जो बच्चे की समस्या है, जो उसकी दादी या नानी है, वो कहती हैं पास का नहीं दिखता, तो लेंस लगने के बाद पास के लिए चश्मे की ज़रूरत होती है, ठीक है। बच्चे की आँख बिल्कुल ठीक है, हमने उसको कह दिया है किसी और डॉक्टर को दिखा ले, सलाह कर ले, कोई इलाज में कोई दिक्कत उसे दिखाई दे तो बता दे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट, और हाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।